तो भाइयों आज हम जानने वाले हैं अपने प्राचीन पहलवान का देशी प्रोटीन। पहले के टाइम पर तो ऐसा नहीं होता था कि पहले कोई ऐसा उपकरण होता था जिससे हम ये पता कर सके कि इसमें प्रोटीन होता है, दूध में इतना प्रोटीन होता है, दाल में इतना प्रोटीन होता है, मांस में इतना प्रोटीन होता है। पहले के टाइम पर शरीर बनाया जाता था स्निग्ध आहार से, पौष्टिक आहार से, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या था कि आयुर्वेद की जानकारी प्रचार प्रसार में थी, तो आयुर्वेद के सिद्धांत और नियम पर ही लोग शरीर बनाते थे। आयुर्वेद के नियम पर ही लोग व्यायाम करते थे, किनको व्यायाम करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति पहलवानी कर रहा है तो उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसे कौन कौन सी ऐसी औषधि है, कौन कौन से ऐसे रसायन है जिससे उनका शरीर भरे, जिससे उनका शरीर सुडौल हो। तो इसी के बारे में हम आज की परिभाषा में देसी प्रोटीन के बारे में जानने वाले हैं। हालांकि मैं भी चाहता था कि मैं आपको 17 तरह की चीज मिक्स करके एक ऐसी मील बनाना सिखा दूं जिसमें आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। आज हम प्रोटीन को एक साइड रखकर उससे भी अच्छा जानने वाले हैं, जिससे आपके शरीर सुडौल होगा, जिससे आपके मसल्स बनेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रोटीन एकदम फालतू की चीज है, आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्रोटीन ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा मसल्स बनाने के लिए उससे भी अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप ले सकते हैं सफेद मूसली, विदारा, अश्वगंधा, मुलेठी, शतावर, कौंच के बीज और जाने तो गोखरू, अकरकरा। तो ये कुछ ऐसी अलग अलग औषधि होती हैं जो कि आपके मसल्स को बढ़ाती हैं, जो कि आपके शरीर को एक्सपेंड करती हैं, आपके शरीर को बढ़ाती हैं, आपके शरीर को सुडौल बनाती हैं। एक चीज और, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में भी कहा गया है कि यह आपके शरीर को सुडौल बनाता है। ये देसी औषधि क्या करती है कि आपके शरीर को सुडौल तो बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ आप में एक नई ताकत लाती है, आपके शरीर के पूरे ओवरऑल बॉडी सिस्टम को ठीक करती है, आपकी हाजमा शक्ति बढ़ाती है। जो भी चीज आप खाते पीते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, गेहूं, चावल, जो भी स्निग्ध आहार का आप सेवन करते हैं, वह आपके शरीर में लगाती है। ये औषधि क्या करती है कि आपके पुरुष तत्व को बढ़ाती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन ही होता है। यह हार्मोन ही आपके मसल्स पर, आपकी दाढ़ी मूंछ पर, आपकी आवाज पर, आपकी आवाज का जो भारीपन है, इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इन्हीं के भरोसे आप अपने शरीर को बना लें, आप अपनी मसल्स को बना लें। अगर मान लो कि आप कोई प्रोटीन का सेवन करते हैं, कोई प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, तो आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर का ही सेवन नहीं करते, उसके साथ आप पूरे दिन में, यानी कि ऐसा तो होता नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर के ही भरोसे आप अपनी बॉडी बना लें। ठीक ये स्थिति यहाँ पर भी लागू होती है, यानी कि आप सिर्फ अश्वगंधा, विदारी, गोखरू, इन सब के भरोसे अगर आप बॉडी बनाएंगे, आप अपने मसल्स को बनाएंगे, तो मेरा विश्वास मानिए कि कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जिंदगी भर इन औषधि का सेवन करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को नहीं सुधारते, अपनी डाइट में पौष्टिक और स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करते, तो विश्वास मानिए कि जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला। ये औषधि क्या करती है कि आपके सिस्टम को ठीक करके खाया हुआ एक एक कण, यानी कि जो आप घी, दूध, दही का सेवन करते हैं, उसका एक एक कण आपके शरीर में लगाएगा, जिससे आपकी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सारी धातुओं को पोषण मिलेगा, सारी धातुएं बलवान होंगी। और ये धातु ही है जो हमारे शरीर को धारण करती है, ये धातुएं मजबूत तो शरीर मजबूत। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।